के लिए एक नया सिरदर्द खड़ा हो गया है जब से उन्हें पता चला है कि अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के तालिबान जो कि TTP है उन्होंने हाथ मिला लिया है और वो अपना सर पकड़ के रो रहे हैं कि अब इनका क्या होगा, क्योंकि पहले ही हम TTP को काबू नहीं कर पा रहे थे और अब तो अफगान तालिबान आ चुका है इनके साथ। इन्हें डर है कि अगर अफगान तालिबान आ गया तो पाकिस्तान में भी शरिया कानून लगा देंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी और वहाँ की सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कभी भी है ना किसी के लिए कांटे नहीं बोने चाहिए वरना एक ना एक दिन वो तुम्हारे को ही तंग करेंगे। ये एग्जांपल है पाकिस्तान के लिए। और साथ ही साथ इन्हें ये लग रहा है कि ये पूरी दुनिया मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रही है चाइना को रोकने के लिए और हमारा CPEC बंद करवाने के लिए। बस यही इस नशे में पूरी ज़िंदगी गुजार दी इन लोगों ने और इन्हें अभी तक समझ नहीं आया ये तुम्हारी गलती है किसी और की नहीं। और साथ ही साथ एक और प्रोपागेंडा कह रहे हैं कि भारत के अंदर मीटिंग हुई है रॉ NDS और मोसाद की। इनके पास कुछ काम नहीं खाली फेक न्यूज़ फैलाते अपनी आवाम को सुनाने के लिए, क्योंकि कोई न्यूज़ तो है नहीं कि मुल्क तरक्की कर रहा है या कोई नई इंडस्ट्री आ रही। 24 घंटा फेक न्यूज़ फैलाते हैं और अपनी आवाम को कश्मीर का चूरन चटाते हैं। यही एजेंडा रह गया पाकिस्तान के पास।